साइड में हेलमेट डाल लिया और अभी जा रहे हैं हम मोबाइल लेने। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन इन अनदर व्लॉग। बोलिए आप सभी अच्छे होंगे। आज चंद्रग्रहण है तो सुबह 6:30 बजे उठ के पहले नहा के आ गया और जो पूजा वूजा करनी थी वो करके तो अभी 8 बज रहे हैं, फिर ही हो गया क्योंकि अब चंद्रग्रहण है, सूतक लगेगा तो उससे आज चंद्रग्रहण का वीडियो शूट होगा। आज गुरु नानक जयंती भी है और आज सभी की छुट्टी है तो अभी कुछ लोग बोलो को सभी को पूछता हूँ ये ऐसे ही छुट्टी मना रहे हैं या फिर छुट्टी है कि नहीं, इनको पता भी है कि किसकी छुट्टी है। छुट्टी है तो किसकी छुट्टी है बता। कुछ आज की छुट्टी है तेरी, किसकी छुट्टी है ये बता। ऐसे ही छुट्टी मना ली, बस छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है आज। ये थोड़ी पड़ेगी, इसको पढ़ाते हो साथ। मैम थोड़ी आ गई आज जल्दी, मैम आएगी इनकी ट्यूशन की। मैम थोड़ी आ गई, मैम 12 बजे ना दो के तैयार। खाना खा लिया? हाँ। क्या बात है, भूमिका पढ़ती है ये फिर ऐसे ही नाटक करती है। मैं बोल दू तेरी मैम को, तू ऐसे तो कहना मानती नहीं है, मेरा भी किसी का कहना नहीं मानती, ना घर पे मानती है, कहाँ पे मानती है। काउंटिंग आती है 10 तक। नहीं यार, हाँ। इसको बोली नहीं आती, बुला देखे। 1 2 3 4 5 5। किट्टू आज की छुट्टी है तेरी, पता है किस बात की छुट्टी है, किस बात की है नहीं पता। संडे की। क्या की? संडे की। अच्छा संडे, आज आज संडे है, परसों था संडे तो। कुसुम आज संडे है, परसों था संडे तो। क्या यार, मैं अली सिंह हूँ। अली सिंह ये ऐसे नहीं बनाते तो, अली सिंह बाल ऐसे नहीं बनाता, इसको ठीक कर। अली सिंह गाना भी पता है तेरे को कौन सा है, कौन सा गाना है ये से गाना थोड़ी है, वो तो ऐसे चल रही, चल अब साइड में हो जा, तू साइड में हो जा। हो गया फिर यार, तू भी तगड़ा ही है। किट्टू ना क्या इधर, किट्टू को गिरा दिया यार, तेरे को ये गिरा दिया। चल खड़ा हो किट्टू, यहाँ से खड़ा हो। तो गाइस ये है तीनों बहनें, ये है कुसु, खुशबू, ये भूमिका, इसको वंशिका भी बुलाते हैं, और ये है आवनी। इधर देख, और इनमें आ गया ये देखो किट्टू का, आके खड़ा हो गया, पहले किट्टू को जल्दी रहती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, मौसी जी बीमार हो रखी है, ये दोनों लड़ाई करने में लगे हैं, और अभी मार्केट में जाना है, हॉस्पिटल में जाके दवाई दिला के लानी है, तो मिलते हैं वहाँ जाके। जीतू लगा है टीवी देखने में, और इधर मौसी जी देखो हालत कैसी हो रखी है, कल जीतू बीमार था आज ठीक है, आज इसके मौसी जी के लगा दी, मेरे से तो दूर ही रहना। तो गाइस अभी स्कूटी को निकाल लिया है और अब क्लिनिक में जाएंगे जहाँ पर अभी डॉक्टर आ चुका होगा अभी, और मौसी जी आगे चलेगी गेट खोलने के लिए। भरोसा नहीं है, स्कूटी गिरा भी सकता हूँ मैं, जैसे पहले गिराई थी ना, तो मेरी है, नहीं गिरी, पहले भी गिरी थी और आज हाँ खुद भी साथ नहीं थी। अच्छा तो अभी हॉस्पिटल भी आ चुके हैं, 5-6 दिन पहले भी दवाई लेके गए थे तो उन आजकल डेंगू का ज्यादा प्रभाव चल रहा था, तो CBC की जांच भी बता सकते हैं, लिखने के बाद ही देखते हैं डॉक्टर के चेक करने के बाद क्या होता है। तो अभी फाइनली दवाई ले ली है और अभी बज रहे हैं 12, और मौसी की हालत तो खराब ही है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर ने बोला नहीं कि ज्यादा अगर हाथ पैरों में दर्द होने लग जाए तो CBC की जाँच करवा ही लेना, डेंगू का खतरा हो सकता है, और पेशेंट्स इतने ज्यादा है कि टाइम तो लग ही गया, कम से कम आधा घंटा लग गया, और अब जाऊँगा घर फिर बाद में देखते हैं। जी के लिए दवाई लानी थी, हरिद्वार से कोई लेके आया था, तो उसका क्या करना, आई है कि नहीं? आज तो गई। आ गई, फिर लाना है कि नहीं, वो है कि नहीं जिसके पास है वो अपने घर पर नहीं है, तो फिर अभी तो चलते हैं फिर घर ही। दवाई दिला के आ गए अब घर पे, हेलमेट डाल लिया और अभी जा रहे हैं हम मोबाइल लेने, भैया के लिए मोबाइल देखने। भाई बाइक का इतना फायदा है कि कैसे निकालो, ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, पिकअप ने शिफ्ट को ठोक दिया, जैसे मर्जी ले जाओ,
फोर व्हीलर का ये दिक्कत, बड़ी गाड़ी का ये दिक्कत होती है कि आप ले जा नहीं सकते ट्रैफिक में, जा रहे ट्रैफिक में फंस जाते हो। ये चालू होगी अंबाबाड़ी से लेके पटना तक, और इस काम का टाइम पर हम जयपुर के रहने वाले हैं। बड़े बड़े पिल्लर्स हैं, आगे दिखेंगे वो, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था, इसलिए वो जो सीधा निकलना चाहिए तो उसके लिए ऊपर से पहले पूरी निकाल रहे हैं। बड़े बड़े पिल्लर्स हैं, कितना टाइम हो गया इसको घूमते हुए? ये जो अभी बन रही है पिलर्स के ऊपर, इनमें और पिलर्स खड़े जा रहे हैं, ये देखो ये लोहा है, अब इसमें पिलर्स खड़े जाएंगे और भी ज़्यादा। गाड़ी को पार्क कर दिया और अब पहुंच चुके ठिकाने पर। इधर भैया हेलमेट हाथ में है और अंदर देख के देखते हैं मोबाइल, हमारे भैया का धर्म का भाई है ये। तो गाइस हमने लिया है मोबाइल नोट 10 प्लस सैमसंग का, अब देखते हैं कैसा निकलता है घर जाके। वैसे तो बढ़िया था, मैं पहले लेने में था लेकिन आप चंद्रग्रहण भी नहीं देख सकते, आप तो सूरज भी छुपा हुआ है तो चांद भी नहीं दिख रहा। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 5 और मैं अभी आया हूँ, अजय और राहुल को छोड़ा था मैंने जहाँ पर रूम पे पीजी पे, और वो है अभी रूम में जा रहा हूँ उनके लिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो जो लेट हो चुका था अब आगे का, इसलिए इसका पहले का वीडियो जहाँ पे गए थे 3 बजे वहाँ से फ्री हो गए थे मोबाइल लेके, लेकिन दूसरी जगह गए थे तो वहाँ पे लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, वहाँ का वीडियो मैं बना नहीं पाया। राहुल कहाँ पे? ये अजय तो आ गया, तो नीचे लाइब्रेरी में था, ये तो आ गया आवाज़ सुन के। वो कहाँ पे? तो आज सुबह आ चुके हैं फाइनली घर, और ये किट्टू लगा हुआ है शायद पानी पीने में, ये इधर डॉगी जा रहा है, डरता तो नहीं है, नाटक कर रहा है। और ये तीनों क्या कर रहे हैं? तुम तीनों क्या कर रहे हो? किससे? सबको दिखा रही है राजा रानी चोरसी भाई खेल रहे हैं। तुम तीनों आंधी चल रही है और आंधी का मजा ले रहे हैं। फाइनली घर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा लेट भी हो गए, जो वैसे ज़्यादा तो नहीं है, अंधेरा होने वाला है, चंद्रग्रहण का तो कोई सीन दिखा नहीं है अभी, ऊपर बादल छा रहे हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय। मैं अंदर से आया था, इन सबके डोंग चल रहे अब, ये सबसे तगड़ा है, जिंदा हो गया, इतनी तेज तो आंधी भी नहीं चल रही जितना तू डोंग कर रहा है, नाटक तो तेरे से सीखे कोई। I love everything, fire spreading all around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.